गुड मॉर्निंग। देखिए जो है 9.2 का जो है तीसरा सवाल, तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद दो है, अर्थात में प्रथम पद क्या बोल रहा है, दो है। अब देखिए यहां बोल रहा है तथा प्रथम पांच पदों का योगफल, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दे रहा है प्रथम पांच पदों का योगफल, प्रथम पांच पदों का योगफल अगली पांच पदों, यानी उसके अगले पांच पदों के योगफल का, अगले पांच पदों के योगफल का कितना है, एक चौथाई, कितना है एक चौथाई है, एक चौथाई है। तो दर्शाई की तरह दर्शाई की बीसवां पद कितना होगा, -112, कितना होगा -112। तो चूंकि आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी में जो हम प्रथम पद को ए मान लें और सार अंतर को क्या मान लें, हम डी मान लें, तो प्रथम पद में ही सार अंतर को जोड़ते जाते तो क्या मिलता है, श्रेणी मिलता है। यदि प्रथम पद है फिर क्या करें, इसमें हम डी जोड़ दें तो अगला पद मिल जाएगा, फिर यदि हम इसमें जोड़ दें डी तो अगला पद मिल जाएगा इस तरह से, फिर आप इसमें डी जोड़ेंगे तो अगला पद, इस तरह क्या होगा हमारी श्रेणी बनती चली जाएगी। तो हम इसका मान लेते हैं कि माना जो समांतर श्रेणी क्या हो, ए है ए प्लस डी है ए प्लस टू डी है, इस तरह से कुछ मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर माना समांतर श्रेणी, माना समांतर श्रेणी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी प्लस, आगे क्या होगा डाटा आगे चला जाएगा इस तरह से, यानी कि पहले पद में हम सार्वांतर जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा, इसमें जोड़ेंगे सार्वांतर तो अगला पद मिलेगा, इसमें सार्वांतर जोड़ेंगे तो अगला पद मिलेगा। और यह माना गया है कि जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद क्या है, ए है, और सार्वांतर क्या है डी माना गया। आप चाहेंगे तो सकते यहाँ पर माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए का सार्वांतर डी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो गया ये ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी आगे भी डाटा। अब इसमें देखो कहा है कि प्रथम पांच पदों का योगफल, यानी कि हम प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या करा है कि प्रथम पांच पदों का योग, यहाँ पर प्रथम पांच पदों का योग, प्रथम पांच पदों का योग, और किसमें का प्रथम पांच पद, इस समांतर श्रेणी का प्रथम पांच पदों का योग, वह बराबर किसके है, करा अगले पांच पदों का योग फल, यहां पर अगले पांच पदों, अगले पांच पदों के योग फल, अगले पांच पदों के योगफल का कितना है एक चौथाई, कितना है एक चौथाई, अर्थात एक बटे चार गुणे। तो यहां तक मिलेगा प्रथम पांच पदों का योग बराबर एक बटे चार अगले पांच पदों का योगफल। अब यहां लिख सकते हैं अगले पांच पदों का योगफल, ठीक। उसके बाद देखिए अब प्रथम पांच पद कौन सा, प्रथम पांच पद इसमें का प्रथम पांच पद तो होगा प्रथम ये द्वितीय तृतीय इस तरह से, तो जाएगा आपका ए कराए पदों का योग तो ए हो जाएगा प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस थ्री डी प्लस ए प्लस फोर डी, हो गया प्रथम पांच पद, एक दो तीन चार पांच पद बराबर एक बटे चार गुणे अगले पांच पद। अब इसके आगे वाला पांच पद क्या आएगा, ए प्लस फाइव डी ए प्लस फाइव डी, फिर उसके बाद आएगा प्लस ए प्लस सिक्स डी प्लस
ए प्लस 7d प्लस ए प्लस 8d प्लस ए प्लस 9d। लीजिए अगला जो है ए दो तीन चार पांच। अब क्या करिए सबको जोड़ दीजिए, क्या करिए सबको जोड़ दीजिए। तो क्या पर ए दो तीन चार पांच कितने बार है, पांच बार। तो आएगा पांच ए प्लस। अब डी को जोड़ लीजिए, यहाँ डी यहाँ टू डी है, कितना होगा यहाँ पर तीन डी तीन और तीन कितना होगा छह और चार दस जाएगा आपका दस डी। और यहाँ पर भी है फोर डी, यहाँ पर भी है कितनी जोड़ी, यहाँ पर डी है और यहाँ पर कितना है टू डी, कितना हो गया तीन डी तीन और तीन कितना होगा आपका छह हो जाएगा, छह और कितना हो गया छह चार दस जाएगा दस डी रहेगा बराबर एक बटे चार है तो एक बटे चार कर लीजिए। अब वहां कितना रहेगा एक दो तीन चार पांच कितनी बार है पांच बार है तो रहेगा पांच ए प्लस। अब इसको जोड़ लीजिए पांच डी और छह कितना होगा छह पांच ग्यारह हो जाएगा। अब ग्यारह जो तो सात कितना होगा ग्यारह था अठारह हो जाएगा। अब अठारह जो इसको आठ कितना हो गया छब्बीस जाएगा, छब्बीस जो लीजिए नौ कितना होगा आपका पैंतीस जाएगा आपका पैंतीस डी। क्या करिए चार तक में पूरा कर लीजिए तो जाएगा चार बे पांच ए प्लस दस डी बराबर क्या मिलेगा आपको पांच ए प्लस पैंतीस डी। इसका इसमें भी बड़ा होगा, इसका इसमें भी होगा कितना होगा ये बीस ए प्लस कितना हो गया चालीस डी बराबर आपका पांच ए प्लस पैंतीस डी पैंतीस डी। सबको इधर ला दीजिए तो जाएगा बीस ए प्लस चालीस डी माइनस पांच ए माइनस पैंतीस डी बराबर क्या मिलेगा इधर डी को मिल जाएगा। तो बीस ए में लगाइए इसको पांच ए तो मिलेगा आपको पंद्रह ए क्या मिलेगा पंद्रह ए और यहां जाएगा प्लस चालीस डी में लगाइए पैंतीस डी क्या मिलेगा पांच डी बराबर किसके जीरो के। अब यहां देखिए आपको दिया होगा कि किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद कितना है दो अर्थात ए का मान कितना दिया हुआ है दो दिया हुआ है तो जाएगा पंद्रह बुढ़े दो प्लस पांच बी बराबर जीरो। यहां दिखा दीजिएगा ए बराबर दिया हुआ है दो कितना दिया हुआ है दो दिया हुआ है उसके बाद देखिए कितना और बड़ा करेंगे तीस जाएगा तो तीस जाएगा प्लस पांच डी बराबर जीरो इसको ले जाइए उस साइड तो जाएगा पांच डी बराबर माइनस तीस डी बराबर माइनस तीस बटे पांच काट दीजिए इसको डी बराबर माइनस छह कितना मिलेगा डी बराबर माइनस छह। अब डी मिल गया। अब हमें यह दिखाना है कि जो बीसवां पद है जो इस श्रेणी का जो बीसवां पद है वो कितना है माइनस 112। तो यहां से निकालेंगे क्योंकि चूंकि श्रेणी का यनवा पद श्रेणी का यनवा पद क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। अब यहां देखिए यनवा यनवा पद और यहां क्या दिया हुआ है बीसवा पद क्या दिया हुआ बीसवा पद अर्थात यन का मान कितना दिया हुआ है इसलिए श्रेणी का किस श्रेणी का समांतर श्रेणी का बीसवां पद समांतर श्रेणी का बीसवां पद तो जाएगा ए बीस बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है दो ए का मान दो दिया हुआ है प्लस यन यन का मान कितना है बीस है तो जाएगा बीस माइनस ए बुढ़े बी का मान माइनस छह तो जाएगा दो प्लस जाएगा उन्नीस बुढ़े माइनस छह। इसका जो है गुणा कर लीजिए कितना होगा यह जाएगा अपना चार छह कम छह जाएगा पांच कितना होगा यह ग्यारह।
अब दो माइनस कितना 114 माइनस कराए कितना मिलेगा माइनस 112 जो कि क्या करना था प्रूफ करना था कि 20वां पद कितना है माइनस 120 कितना है 12 तो हो गया आपका 20वां पद कितना माइनस 112।